अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त मोहम्मद सुलेमान तुर्की एक नई वीडियो लेकर जो हज के बारे में है, जिसमें आप समाअत फरमाएंगे। नंबर एक, हज की फर्जियत। नंबर दो, हज करने का फ़ायदा। नंबर तीन, हज नहीं करने का नुकसान। और नंबर चार, शराइत हज। आज आप इन्हीं तमाम बातों के बारे में समाअत फरमाएंगे। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, बात को आगे बढ़ाया जाए, वो ख़ास जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे और आपके इस चैनल ADS यानी कि आओ दीन सीखो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी तरह आपके दोस्त भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर एक, हज की फर्जियत। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद वल फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहि अला नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफरा फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। सूरह आले इमरान आयत नंबर 97 तर्जमा। और अल्लाह के लिए लोगों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सके, और जो मुनकिर हो तो अल्लाह सारे जहान से बेपरवाह है। नंबर दो, हज करने का फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, हज करो। जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए हज करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए हज करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको मालदार बना देता है, अल्लाह पाक उनको मालदार कर देता है। नंबर तीन, हज नहीं करने का नुकसान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन पर हज फ़र्ज़ हो जाए और वो हज में ताखीर करें यानी देरी करें, वो गुनहगार होंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जिन पर हज फ़र्ज़ हो गया, लोगों की इस्तेआत हज करने की है और उसने हज नहीं किया, या तो वो यहूदी होकर मरे या तो वो नसरानी होकर मरे, यानी जो हज ना करे इस्तेआत होने के बावजूद, गोया के उसके ईमान चले जाने का ख़तरा है। नंबर चार, शराइत हज। यानी हज फ़र्ज़ होने के लिए कुछ शराइत हैं, वो शराइत क्या क्या हैं आप समाअत फरमाएं। नंबर एक, मुसलमान होना, यानी गैर मुस्लिम पर हज फ़र्ज़ नहीं। नंबर दो, आक़िल होना, यानी बेअक़ल पर, मजनून पागल पर हज फ़र्ज़ नहीं। नंबर तीन, बालिग होना, यानी नाबालिग पर हज फ़र्ज़ नहीं। बालिग से मुराद ये है कि बच्चा अगर हद बलूग को पहुंच जाए, यानी 12 से 15 साल के बीच हो जाए और इतना माल उसके पास है कि वो हज के बराबर, हज के फ़र्ज़ होने के लायक है, वो बच्चा हज की इस्तेआत रखता है, तो उसको हज करना चाहिए, उस पर हज फ़र्ज़ है। नंबर चार, आज़ाद होना, यानी कि ग़ुलाम पर हज फ़र्ज़ नहीं। नंबर चार, शराइत हज। यानी हज फ़र्ज़ होने के लिए कुछ शराइत हैं, वो शराइत क्या क्या हैं आप समाअत फरमाएं। नंबर एक, मुसलमान होना, यानी के गैर मुस्लिम पर, काफिर पर हज फ़र्ज़ नहीं। नंबर दो, आक़िल होना, यानी के अक़ल वाले पर हज फ़र्ज़ है, मजनून या पागल पर हज फ़र्ज़ नहीं। नंबर तीन, बालिग होना, यानी नाबालिग पर भी हज फ़र्ज़ नहीं। बालिग से मुराद जो बच्चा बालिग हो जाता है 12 से 15 साल के बीच, अक्सर बच्चे बालिग हो जाते हैं, तो जो बच्चा 12 साल के बाद 15 साल के बीच में है, अगर उसके पास इतना माल है जिससे हज फ़र्ज़ हो जाए, तो ऐसे बच्चे को हज करना चाहिए, नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। नंबर चार, आज़ाद होना, यानी कि ग़ुलाम पर हज फ़र्ज़ नहीं। नंबर पाँच, तंदुरुस्त होना, यानी कि ऐसी बीमारी ना हो जिससे ख़ुद से चलकर जा भी ना सके, या वहाँ पर तवाफ़ ना कर सके, या वहाँ पर
सही ना कर सके, यानी वहाँ हज के अरकान अपने आप जो अदा ना कर सके उस पर भी हज फ़र्ज नहीं। नंबर 6, बीना होना यानी आँख वाला होना, नाबीना पर हज फ़र्ज नहीं। नाबीना अगरचे कितना ही भी मालदार हो उस पर हज फ़र्ज नहीं, लेकिन अगर करेगा तो उसको भी सवाब मिलेगा। नंबर 7, ज़ाद राह का मालिक होना, ज़ाद राह उसके पास होना, यानी कि हज के जाने में जितना पैसा उसका खर्च होगा उसका मालिक होना, उसके पास होना। ज़ाद राह से सफ़र खर्च से मुराद है उसके घर से जाने से लेकर फ़्लाइट वगैरह का टिकट, वहाँ पर बस वगैरह का टिकट, वहाँ पर जितने दिन रहेगा उसका ख़र्चा वगैरह, खाने पीने का, कुर्बानी वगैरह का सारा ख़र्चा उसके पास हो। अगर इतना ख़र्चा है हज तसलिया के अलावा तो उस पर भी हज फ़र्ज है। नंबर 8, इन तमाम शराइत का हज के अय्याम में पाया जाना। हज के अय्याम से मुराद शव्वाल का पूरा महीना, ज़िलक़ादा का पूरा महीना, ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन। इन दिनों के दरमियान में अगर ये शराइत पाई जाती हैं तो अगर ये तमाम 8 शराइत हैं, अगर ये 8 शराइत आपके अंदर पाई जाती हैं तो आप पर हज फ़र्ज है। अब अगर ताखीर करेंगे, अगर जान पूछ कर देर करेंगे तो गुनहगार होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हर मुसलमान को हज का फरीज़ा अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला हर मुसलमान को हज की सआदत अता फरमाए। तो ये थी वो ख़ास जानकारी जो हमने आप तक पहुँचाई। एक बार फिर समाप्त फरमा लें, 1, हज की फर्जियत, 2, हज करने का फ़ायदा, 3, हज नहीं करने का नुकसान, और 4, शराइत हज। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के ताल्लुक से अगर आपके दिल में कोई सवाल है, आपके जहन में कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ में जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो के ताल्लुक से आपकी क्या राय है वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर हाजिर होंगे किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद सुलेमान तुर्की को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कल